आ गया होगा स्ट्राइक पे नहीं नहीं नहीं, अब रूल है जो नया बेटर आएगा वही स्ट्राइक आएगा। हाँ, वो 1 अक्टूबर के बाद रूल चेंज हो गए, तो अब दिनेश कार्तिक जनाब अभी आप देख लें 5 बॉले और लेकिन कितने रन है, 16 रन है। अच्छा, दुबई में भी नवाज ने पहली बॉल पर आउट कर दिया था और पांड्या को किया, पांड्या पहली बॉल पे आउट करते थे, लेकिन अब जडेजा नहीं है, अब जडेजा नहीं है, जडेजा ने मार भी कम था यार, 7 रन चाहिए थे जीतने के लिए। अब देखते हैं। तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, इस पर मैं देने वाला हूँ अपना रिएक्शन। इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद आपने बहुत एंजॉय किया होगा और आप अपने जगह से खड़े होकर नाचे होंगे, डेफिनेटली मैच ही ऐसा था। इस मैच में आप देखेंगे किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है, और पाकिस्तानी मीडिया लाइव मैच की कमेंट्री कर रही थी और वो मतलब अब उनके साथ भी यार जीता जिताया मैच, वो हारे पहले। ये पूरा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। जय हिंद। अच्छा, दुबई में भी नवाज ने पहली बॉल पर आउट कर दिया था और पांड्या को किया, पांड्या पहली बॉल पे आउट करते थे, लेकिन अब जडेजा नहीं है, अब जडेजा नहीं है, जडेजा ने मार भी कम था यार, 7 रन चाहिए थे जीतने के लिए। आप देखते हैं कार्तिक आर्यन चाहिए, मजाक तो वैसे आपस... आपने जो आस्ताना खोला मैं वहां से पता करें इन 5 बॉलों में क्या होगा। मैसेज आ गया, देखिए मैं बात करता हूं भाई, कार्तिक अगली बॉल पे क्या करने वाले हैं, चौका मारेगा पहली बॉल पे। मैंने अबे चौके की बात यार मैं कह रहा हूं, मुंह से जलन निकालो नहीं, जो कबूलियत पे चला जाए। आप अच्छी बात करो, आपको भाई अगली बॉल पे भी विकेट है। सलमान का दिन अच्छा चल रहा है, सलमान आप बोले जो अगली बॉल पे भी विकेट होगी पाकिस्तान जीत जाएगा यार, खत्म हो गई बात। मतलब कितने रन से लेंगे सवाल ये, क्योंकि अगर सिंगल लेके कोहली टेक्निकलिटीज पे जाए नहीं, आधे रन से जीत जाए, एक रन से भी नहीं आधे रन से जीते जीत जाए भाई। ऐसी कोई फीलिंग आ रही है कि सुपर ओवर हो सकता है। इफ्तिखार और शान मसूद ने बॉल को दी है ना, नहीं सुपर ओवर नहीं होगा, 1-1 पॉइंट पे जाए। आई थिंक रिकॉर्ड बनाया ना इफ्तिखार ने तो आज, कि ऑस्ट्रेलिया में पहले पाकिस्तानी जिन्होंने T20 में 6 छक्के मारे हैं, आई थिंक 4, अरे सिंगल करके उन्होंने कोहली को दे दिया। चले ये उनकी तरफ से अकलमंदी है, ये नो बॉल मुझे नहीं, इससे आगे बढ़ के खेला है, आगे बढ़ के खेला है, शायद नो बॉल मुझे लग रहा है। अब जनाब 4 बॉल है, 15 रन कोहली देख रहे हैं, ये थोड़ा सा स्पिन नहीं कर रहा हूँ, कोहली पिछली 2 बॉलों पे 2 छक्के मार चुके हैं, छक्का नहीं लगना चाहिए, चौका नहीं लगना चाहिए, मैं कह रहा हूँ मौका आ जाए, मौका है। सलमान कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया तो ये डांस करेंगे, अरे लेट जाएंगे इधर यार, क्यों कर रहे हैं भाई, जीतने तो देना यार, नागिन डांस, सब होगा, सब होगा, कोई मसले की बात नहीं। चलें भाई, कोहली मीडियम पेस पर नवाज को खेलते हुए, नवाज मीडियम पेस बॉल कर रहे हैं और दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, अबे हो गया भाई दूसरा, आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, तीन पे 13 आउट हो गया, 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 पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया, हो गया, हो गया, पहुंच गया, नहीं नहीं हो गया, हो गया, हो गया, पहुंच गया भाई, ये लग रहा है 3-13 अबे यार सांसों पर हो रही है, अरे भाई पाकिस्तानी भी आप देखें बड़ा जबरदस्त, ये भाई घर छोड़ाओगे मुझे, तीन पे तेरा नहीं होगा भाई, तेरा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नवाज जीत, नवाज शाबाश, शाबाश नवाज, अरे 6 हो गया कोहली, ये और 6 हो गया, बहुत कोशिश अच्छी की लेकिन अब 2 पे 7 और कोहली अंपायर को कह रहे हैं कि नो बॉल तो देखें यार, अब के बोलने के बाद भी वो बेसिकली शॉट देख रहा था ये, और ये 3 पे 6 अब बहुत खत्म, अब तो 2 पे 7 से 3 पे 6 हो गए, मामला स्टेडियम में पाकिस्तानी भी आप देखें काफी ठंडे पड़ गए हैं जरा। अच्छा चले, खैर इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखें, नहीं इंशाल्लाह नवाज अच्छी बॉल, विराट को बस छक्का मारने का मौका नहीं देना, अब नवाज दोबारा अपनी स्पिन पर ही आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि पीछे रिजवान भी विकेट पर थोड़ा सा कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह मालिक है, अल्लाह बहुत बड़ा है भाई,
बॉल मिस हो तो एक कीपर के पास स्टंप का चांस भी होता है और अरे वाइड बॉल नवाज ने देखे प्रेशर में ये होता है तीन पे पांच मैच बिल्कुल इजी कर दिया नवाज ने। ये नवाज का ओवर अगर दो तीन ओवर पहले उस वक्त निकलवा लेते तीन ओवर में 48 चाहिए थे तो सिचुएशन डिफरेंट होती। इंडियंस के फेस पे इस वक्त यहां पे अभी भी बहरहाल मैच कहीं नहीं गया अभी ये सुपर ओवर भी हो सकता है पाकिस्तान मैच अभी भी रोक सकता है कोहली का एज लग सकता है हवा में निकल के कोहली आउट हो सकता है कुछ भी हो सकता है नवाज को बस अपनी लाइन और लेंथ पकड़ के रखें। अरे हाँ फ्री हिट भी तो है वो फ्री हिट में ब्लिंक होता देखा नहीं आउट हो गया जनाब विकेट लग रहा है कि होगी इस बॉल पे ये बॉल लेकिन फ्री हिट थी रन आउट होगा। अरे विकेट पे लग के चौका इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या होगी भाई नहीं दो रन बने तीन रन बना ली भाई बताओ बोल्ड हुए और फ्री के रन मिल रहे हैं ये थोड़ी बैड लक भी इसको कह सकते हैं अभी आप ये नो बॉल अंपायर ने इसको गलत दे दिया नहीं है यार मैं इसको बैड लक नहीं मानता आप इस चीज को आपने मुंह पे उठा उठा के बॉल देना फिर डिस्कशन होगी ये बोल्ड हुए विकेट पे लगी है तो रन बना लिए वो काउंट होंगे नहीं होंगे ये भी वायरल देखना होगा कि नो बॉल के क्या रूल्स होते हैं अभी बहुत टेक्निकल मामला हो जाता है जब परेशानी होती है तो कुछ जज्बात अब हमारे भी ठंडे हो गए हाँ जाहिर है वो अब तीन खैर अभी भी देखें एक बॉल मैच का गेम पलट सकती है कोहली अभी आउट हो जाए तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि अब फ्री हिट नहीं है अब नॉर्मल बॉल होगी अच्छा वो चेक कर रहे हैं शायद सुपर ओवर है मुझे ये बताएं कि ये इन्होंने प्रेशर को अब्सॉर्ब किया और आकर आखिरी ओवर का प्रेशर सिंगल है भाई सिंगल सिंगल सुपर अरे यार यार ये देखें ये होता है प्रेशर ये बॉल आप लाइन में कर देते मैच आपके हाथ में था अब आपको आउट ही करना पड़ेगा अब आप सिंगल आपको नहीं बचा सकता स्कोर टाई हो गया है यूनिवर्स की ऐसा ओवर होगा जिसमें सारी सब कुछ हो गया सब हो गया उसमें विकेट भी आ गई इसमें पहली विकेट अब आखिरी बॉल पे विकेट आ जाए तो सुपर ओवर भी हो जाएगा। अरे आउट है हो ये फील्डर पीछे होता तो जनाब अश्विन ने पिछली वाइड अगर नहीं होती तो सिचुएशन कुछ और होती है जब स्कोर टाई हो जाता है तो प्रेशर हट जाता है आपके ऊपर से पूरा फिर आप आराम से बॉल का भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है और भारत जीता है चार विकेटों से जबरदस्त परफॉर्म किया विराट कोहली ने थ्रू आउट क्रीज पर मौजूद रहे भरपूर तरीके से परफॉर्म किया और देखा आपने इंडिया मैच जीत गया और बड़ी सिचुएशन ऐसी रही कि हम लोगों ने जीता हुआ मैच हम लोग हार गए हमारे हाथ से मैच निकल गया और इंडियंस की खुशी ये भी आप देख गालिबन ये बॉल अगर नहीं भी तो इतना बड़ी हाँ फिर मसला नहीं था उसके बाद अब आप ये देखें दूसरा जो पैर था उसका वो क्रीज से आगे निकला हुआ था आप क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं वो नो बॉल नहीं हो सकती है एट एनी कॉस्ट और वो आपने किसी की ख्वाहिश पर दी या तो अंपायर उसी वक्त देख के उसी वक्त नो बॉल देते और कह के यार जहां भी जा रही है उसको फर्क नहीं पड़ता उससे उसने पूरा शॉट देखा उसके बाद कोहली को देखा कोहली को देखने के बाद उसने नो बॉल दी कोहली शॉट खेलते चीखा के ये नो बॉल फिर एक और चीज ये भी है ना आप बाय जो होता है एक और बड़ा तनाजा ये है मैं आपको बता रहा हूं बाय के रन किसे कहते हैं आप या तो वो बैट्समैन को टच करे बगैर चली जाए कीपर से छूट जाए या फिर बैट से लग के चले जाए उसको भी लेग बाय कहते हैं ठीक है लेग बाय कीपर से छूट जाए ठीक है आपकी विकेट पर बॉल लगी है आप बोल्ड हो भले नो फ्री हिट है आप आउट नहीं हो सकते उसका रन कैसे मिल सकते हैं यार उसके किस तरह से रन मुझे ये बताएगा ऐसी चीजें हैं जिसको बाकी में ना इसको समझ लेना अगर वो तीन रन बड़े बैड लक हुए वो आईसीसी के रूल चेक करने पड़ेंगे कि हम लोगों ने कैप्टेंसी में गलती की क्या है जो हम लोगों ने जीता हुआ मैच हाथ ये तो बड़ी गलती की है बहुत सारी गलतियां की है लेकिन नवाज का ओवर आखिरी वक्त तक बचाना अगर ये 20-22 रन भी होते तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। एक चीज मिसिंग है यहाँ पे डीके जब आउट हुआ था वो चीज मिसिंग कर दी सीरियसली बता रहा हूँ यार उस टाइम पे ना ऐसी गाली निकल रही थी दिनेश कार्तिक के लिए कि मैं क्या बोलूँ मैं पागल हो गया कि ये कैसे आउट हो सकता है एक रन बना देता टाई वहीं पर हो जाता मैच लेकिन फिर अश्विन ने दिमाग लगाया वाइड बॉल फिर ऊपर से मार दिया फाइनली मैच इंडिया जीत गया। तो पाकिस्तान बेचारों को क्या बोलें यार तो वो जीता जिता है मैच हारे उसके बाद अब कुछ नहीं इंडियन तो एंजॉय करेंगे। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में प्लीज़ कमेंट और अपनी राय दें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।